सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान सारे मेरे भाइयों, हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच भगुराम जी, मेरे पास में बैठी मेरी बहने और मेरे भाइयों, 19 तारीख को हमारा चुनाव है। हमारे को बहुत ही ईमानदार नेकपंथ इंसान हमको कैंडिडेट मिला है। अंगाराम जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में ज्यादा बताने की कुछ नहीं उचित नहीं समझता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए इसके संघर्ष किया है अंगाराम जी ने। आज हमारा टाइम है, इनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, ये कर्जा चुकाने का टाइम है। और भाई लोगों को बोल देंगे किस प्रकार से जनवरी 1980 में आप लोगों ने सब में मिलकर के कुंभाराम जी की जीत करवाई थी, कुंभाराम जी को वोट दिए थे, उसी प्रकार से सारे सब भाई मिलकर के अंगाराम जी को वोट दे और भारी बहुमत से चुनाव जिताई। 19 तारीख के लिए जितना भी साधन चाहिए वोट लाने के लिए वो साधन कर लेना। और 14 तारीख को उन्होंने खटेराम में मीटिंग बुलाई है कार्यकर्ताओं की, साधन की कमी नहीं वोट देने चाहिए। हमने अंगाराम जी को यह कह दिया कि अंगाराम जी 3 महीने पहले मैंने चुनाव करना, मेरा बहुत बड़ा खतरा हुआ है, इसके बावजूद भी मैं आपका खटेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आश्वासन देता हूँ, इस जनता के भरोसे आपका एक दिन का साथ खर्च नहीं होंगे और भारी लोगों से चुनाव करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब अंगाराम जी से कहूंगी, फतेहपुरा की आपकी चुनावी जनसंपर्क कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय श्रद्धेय महादेव सिंह जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता जठाणा जी, उपप्रधान जी, तमाम जिला परिषद मेंबर उर्मिला दाये जी और तमाम इंडिया गठबंधन के मंचस्थ नेतागण, किसान मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों और मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो आपने सम्मान में क्या मित्र का साफा बताया है उसका सम्मान रखूंगा, क्योंकि तो भजन के सिर ये है भी भजन में कभी कभी आवाज जरूर। और ज्यादातर लोकसभा के चुनाव का सवाल है, स्थानीय लोकसभा का ये चुनाव इस देश की दशा और दिशा बदलने वाला हो, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों संघर्ष करके अंग्रेजों राजशाही से छुटकारा पाया था, बाबा साहब ने जो संविधान